आजकल कंपटीशन हो गया कि आप कभी नंबर टू नहीं होते, आप नंबर वन होते हैं, उसके बाद आप खत्म हो जाते हैं। साल था 2016 जब OTT प्लेटफॉर्म से हमारा परिचय हुआ। नेटफ्लिक्स, जिसके वर्ल्ड वाइड 195 मिलियन यूजर्स से सब्सक्राइबर जो भी आप कहें वो हैं, वो 2016 में इंडिया में आया। सबसे महत्वपूर्ण वेब सीरीज जिसके द्वारा इंडियंस को पता चला OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में हिंदी में कम से कम थी, उसको कह सकते हैं सेक्रेट गेम्स। सेक्रेट गेम्स के आने के बाद नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसी के बाद से बहुत सारी वेब सीरीज, चाहे वो पता लोक हो या फिर हाल फिलहाल में स्कैम हो, पंचायत हो, अनेकों वेब सीरीज आती चली गई जो जिनको इंडिया में बनाया गया लेकिन वर्ल्ड को ध्यान रखते हुए उसका कंटेंट उसी तरीके से डिजाइन किया गया था। बात करते हैं आज हमारे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म की जिसकी चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम है G5, जिसके इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंडिया में ही वो 12 अलग अलग भाषाओं में अपने कंटेंट को लेकर आता है। तो आज नेटफ्लिक्स और G5 की जो बात हम कर रहे हैं उसके पीछे है दो फिल्में जिनकी चर्चा थोड़ी सी देर में हम करेंगे। पिछले साल लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने के बाद से सारी इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से मैन पावर को कट किया गया उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारी सिनेमा इंडस्ट्री पे। लगभग ऑल एग्जीबिशन सेंटर, जिनको हम सिनेमा हॉल बोलते हैं, वो लगभग बंद रहे 3 महीने या 4 महीने। सितंबर अक्टूबर के आसपास जब सिनेमा हॉल खुलने स्टार्ट हुए तो पहले से जो बैकलॉग थी वो फिल्में क्लियर की गई। उसके बाद ऐसी फिल्मों को ट्राई कराया गया इस साल के शुरुआत में जिससे पता चल जाए कि क्या मोमेंटम बन रहा है, दर्शकों का कैसा रेस्पॉन्स सिनेमा हॉल में दिखाई दे रहा है। तो आपने इस साल, जैसे आपने देखी होगी थोड़ी दिन पहले परिणीति चोपड़ा की फिल्म आई थी, उससे पहले भी 2-4 फिल्में, मुंबई सागा आई, तो धीरे धीरे करके फिल्मों का सिनेमा हॉल में आना स्टार्ट हो गया। बट जो पुरानी फिल्में रुकी हुई थी उनको भी OTT प्लेटफॉर्म पर डालना मजबूरी हो गया। मेनली ये जो प्लेटफॉर्म था वो था वेब सीरीज़ के लिए, बट इसमें भी वो फिल्में आने लगी जो जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे। मतलब अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को भी OTT प्लेटफॉर्म पर डाला गया और ट्राई किया गया वो किस तरीके का काम करती है, और छोटे बजट की वेब सीरीज़ और फिल्में तो लगातार अच्छा काम करती नज़र आ रही थी। जिस फिल्म की चर्चा हम पहले करने जा रहे हैं उसके कलेक्शन और उसके व्यूज़ को, उसके व्यूअरशिप को लेके थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। बताते चलें कि करंट में उसकी IMDb पे जो रेटिंग है वो 1.7 की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग नहीं मानी जाएगी। कलेक्शन को लेके ये कहा जा रहा है कि 249 का सब्सक्रिप्शन था तो लोगों ने 249 वाला भी लिया होगा और 500 वाला भी, यानी कि 499 वाला भी लिया होगा, दो को डिवाइड करके लगभग 150-152 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म का बताया जा रहा है। लेकिन आज की जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की डेट में, तो अगर आप जाके देखेंगे तो विकीपीडिया पे आपको इसका कलेक्शन लगभग 15.7 करोड़ के आसपास का दिखाई देगा। चलो चलो चलो। फिल्म का नाम है राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई। बहुत अवेटेड फिल्म थी। लास्ट ईयर सलमान खान की कोई भी फिल्म ईद के दिन नहीं आई, जिसके बाद इस फिल्म का आना लगभग सिनेमा हॉल में तय माना जा रहा था। फिर ये अनटाइमली जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर लाया गया, ऐसा मेरी मोटा मोटी समझ कहती है। फिल्म 114 मिनट लंबाई की है। टेक्निकल पहलुओं पर पहले बात करेंगे, फिल्म पर बात करेंगे उसके बाद। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने। फिल्म में प्रोडक्शन हाउस है सलमान खान फिल्म्स, एंड सोहेल खान का भी इसमें पैसा लगाया, अतुल अग्निहोत्री का भी इसमें फिल्म में पैसा लगाया गया है। स्क्रीन प्ले है विजय मौर्य और AC मुगल का। विजय मौर्य को आपने कई फिल्मों और एड फिल्म्स में देखा होगा। इसके अलावा ये द आउटलॉस एक फिल्म है कोरियन भाषा की, उस पर बेस्ड है, जिसको बनाया था यांग युंग संग ने। तो आउटलॉस फ्री में अभी OTT कह रहा हूँ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। इसमें म्यूजिक है संचित बलहारा का, सॉन्ग्स हैं साजिद वाजिद के, देवी श्री प्रसाद के, और हिमेश रेशमिया का भी एक गाना आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसको G5 पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं कहानी की, तो मुंबई शहर की कहानी है इस बार, जिसमें आपको मुंबई शहर की कहानी है और ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट शहर के नवयुवकों, टीनेजर्स को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, और जो इसका किंग पिन है उसके बारे में हमारी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है। तो तलाश एक ऐसे उम्दा पुलिस अफसर की जो इस पूरे रैकेट को, भाड़ाफोड़ को खोल सके और हमें बता सके किस तरीके से ये पूरी कहानी सुलझाई जाएगी। शुरुआती 5 मिनट के अंदर ही सलमान खान की एंट्री उसी तरीके से होती है जैसी अक्सर कर उनकी फिल्मों में हमें दिखाई देती है। नाम उनका कैरेक्टर का राधे है, जिस पर फिल्म का टाइटल पड़ा है,
और आते ही साथ ही वो हमें ईद मुबारकबाद देते हुए भी दिखाई पड़ जाते हैं। उनके अलावा जिन किरदारों ने फिल्म में काम किया है उनमें रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, ऋषभ पठानी, गौतम गुलाटी के साथ गोविंद नामदेव जैसे कलाकार भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो रणदीप हुड्डा का जो किरदार है वो सलमान के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरदार है। बहुत ज़्यादा क्रूरता उस किरदार के माध्यम से दिखाई गई है। फिल्म के एक्शन सीन्स भी शानदार है। कॉमेडी के लिए जैकी श्रॉफ को रखा गया है। दिशा पटानी ने बहुत अच्छा काम किया है। बागी जो उनकी आपने फिल्म देखी होगी और उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा काम था। तो अपने करेक्टर को ग्रो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे, मतलब अपने जो एक्टिंग करियर है उसको ग्रो करती हुई दिखाई देती है इसमें। और फिल्म के गाने मतलब बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे। सीटी मार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ऑलरेडी अल्लू अर्जुन का गाना था, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। फिल्म की कहानी सामान्य है, ठीक है। एक्शन सीन बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बट OTT प्लेटफॉर्म पर एक्शन सीन्स का कोई मतलब रहता नहीं है। सिनेमा हॉल में ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। आप लैपटॉप अगर किसी और या तो बहुत फास्ट हो तब ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। क्या बात कर रहा है? म्यूजिक औसत ही रहा और सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले से भयंकर शिकायत है कहानी के बाद। मतलब कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों बहुत ज़्यादा निचले स्तर के थे फिल्म में, जिसकी वजह से सलमान खान की जितनी भी मेहनत है वो फिल्म में एक तरीके से दब जाती है। एक तो उनकी एज का फैक्टर भी है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि उनका कंपटीशन जो है वो रणवीर सिंह, बाकी जो और अभी यंग जो टैलेंटेड एक्टर हैं उनके साथ है, तो उनको उस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है जिसके लिए वो तैयार भी हैं। और उनकी मेहनत दिखाई भी देती है, वो पहले से ज़्यादा अपने करेक्टर में डाल रहे हैं, उनका एक्टिंग स्किल्स भी पहले से ज़्यादा अलग तरीके से निखरता हुआ नज़र आता है, तो उनकी मेहनत वहाँ दिखाई देती है। बट इतनी एज में इतने सारे गानों पर डांस करना, अलग अलग पोशाकें पहनना और फिर वो कमाल का एक्शन सीन देने के बावजूद भी फिल्म उठ नहीं पाती, तो इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि सलमान खान अब भाई भतीजा बाद वाली बात को छोड़कर अपने यारों दोस्तों को फिल्म में इतना ज़्यादा भर लेते हैं। सही पकड़े हैं। और जिनका यो कोई कोई फिल्म तो बढ़िया बन जाती है तो उसका क्रेडिट चला जाता है, मतलब पूरी टीम को जाता है, और उसका नुकसान हो तो सलमान खान को भुगतना पड़ेगा। अब उसमें सोहेल खान भी हैं, अतुल अग्निहोत्री भी हैं, प्रभु देवा भी हैं, साजिद बाजिद भी हैं, हिमेश रेशमिया भी हैं, दिशा पटानी भी हैं और गोविंद नामदेव जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। मतलब ये उनकी फिल्मों में ये सारे लोग हमेशा दिख जाते हैं। अगर किसी के लिए भी कोई भी छोटी सी भी गुंजाइश बन रही है तो उनकी फिल्मों में दिखाई दे जाएगी। तो इसका उन्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब अगर OTT पे जो कंटेंट आएगा, जो हम पहले बात कर रहे थे, तो OTT पे जो कंटेंट है उसका व्यूअर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। वो उस तरीके से फिल्म को नहीं देखता है जैसे वो सिनेमा हॉल में देखता था। पहले ये होता था कि एक एग्जीबिशन हॉल में 4 या 5 शो चले तो छोटी फिल्मों को मौका नहीं मिल रहा था, तो बड़ी फिल्में ही वहाँ पर डोमिनेट कर जाती थी। एंटरटेनमेंट का अभाव था, जिस तरीके से आबादी बढ़ने के पीछे मुख्य कारण था मनोरंजन के साधनों की कमी, तो अब वो मनोरंजन के साधन आदमी के हाथ में आ गए। तो अब जो इंडियन फिल्म्स हैं जिनका तरीका है म्यूजिकल्स जैसा, कि आप थोड़े से गाने, थोड़ा सा एक्शन सीन, अच्छे इमेज वाला हीरो और बुरी इमेज वाला जो विलन है उन सबको डाल कर बना दो तो फिल्म बन जाएगी, बट फिल्म इन सब से इतर हो चुकी है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स के ऊपर। IMDB पर लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्म को गरियाया, 1.7 की रेटिंग दे दी। मतलब अपनी ज़िंदगी में जिस आदमी ने एक शॉर्ट फिल्म तक शूट नहीं की वो भी आज गरिया रहा है इस फिल्म को। दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सलमान खान के अलावा किसी और एक्टर की ये फिल्म होती तो 5.5 की रेटिंग IMDB पर लेख के झंडा लगाए खड़ी रहती। यार बच्चों वाली बात कर रहा हूं। पर चूंकि सलमान खान की फिल्म थी इसलिए इसको 1.7 की रेटिंग से नवाजा गया है, और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, हो सकता है ये अप डाउन हो जाए। तो सलमान खान को आगे आने वाले दिनों में मेहनत करनी चाहिए। उनके जो डाई हार्ट फैन है वो किसी भी, मतलब वो कुछ भी बनाए वो देखेंगे, अगले 2 साल भी देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना कि मतलब आप पीक से एकदम नीचे चले जाएं। मतलब आजकल कंपटीशन हो गया कि आप कभी नंबर 2 नहीं होते, आप नंबर 1 होते हैं, उसके बाद आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे नोकिया का मोबाइल था वो एक टाइम पे इंडिया में नंबर 1 था, फिर अचानक से नंबर ख़त्म हो गया, वो 2 नहीं हुआ, वो गायब हो गया। जेट एयरवेज नंबर 2 नहीं हुआ, वो गायब हो गया। तो जो बड़े एक्टर हैं उनको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे गिर गिर के नीचे पहुंचेंगे। जब इस पोजीशन में आप एकदम से गायब हो जाएंगे प्लेटफॉर्म से, तो आप चेंज करो। आप हो सकता है आपके कुछ चेंजेस खराब जाए, आप कोई दूसरा रोल करेंगे, हो सकता है वो पसंद ना आए ऑडियंस को, कोई दिक्कत नहीं, आप करो तो सही। आप ट्राई करो, कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कुछ नया लेके आओ, कुछ साईफाई फिल्म लेके आओ, बनो आप बाप। किसने दिक्कत किया, किसने मना किया कि आपको डांस ही करना है आके, और या लड़की के साथ रोमांस ही करना। आप आओ बन के बाप, आओ बन के आप कोच, क्या दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं उसमें। वहाँ साउथ में धनुष अगर बाप का रोल कर सकता है सलमान खान से छोटी उम्र पे, तो सलमान भाई भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि अगर वो अपना करेक्टर बाप वाला कर लेंगे या कुछ ऐसा करेक्टर कर लेंगे तो उनका मतलब फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वो उनका बढ़ेगा। डू इट, जस्ट डू इट।
अब दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है सरदार का ग्रैंडसन। ठीक है, तो फिल्म ठीक ठाक बनी, अच्छी तरीके से स्माइल रहती है, कॉमेडी फिल्म थी जिस तरीके से आपको देख के इसका लगा हुआ ट्रेलर वगैरह। लंबी फिल्म थी जिस तरीके से फिल्म को बनाया गया, लगभग इसकी लंबाई 140 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म थी, जिसमें भी भरपूर गाने डाले गए हैं। 2 हिस्सों में फिल्म को शूट किया गया है, मतलब जो करंट वाला है उसको लीड करते हुए नज़र आते हैं आपके अर्जुन कपूर, उनके साथ हैं नीना गुप्ता और रकुल प्रीत सिंह, और जो उसका पुराना हिस्सा है उसमें आपको दिखाई देंगे जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी। कहानी सिंपल है, एक लड़का, उसकी दादी, लड़के का नाम है अमरीक और दादी का नाम है सरदार कौर, इससे ज़्यादा फिल्म देख लेना। उन दोनों का अच्छा सा रिलेशन है। अब प्रॉब्लम यह है कि लाहौर जाना है, दादी को देखना है अपना पुश्तैनी मकान, बस यही थी कहानी। अड़चने पैदा कर रहे हैं लाहौर के मेयर तत्कालीन, जिनका किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे कुमुद मिश्रा। डायरेक्ट किया कश्वी नायर ने, इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ भूषण कुमार, मतलब पूरा टी सीरीज वाली टीम है जिसने डायरेक्ट किया। फिल्म को लिखा था अनुजा चौहान और उनका साथ दिया था कशिवे नायर ने, और इसके अलावा स्टोरी भी सेम नायर की खुद ही है जो डायरेक्टर आपको नजर आएंगे। म्यूजिक है गुलराज सिंह, तनिष्क बागीची का, सिनेमेटोग्राफी है महेंद्रा शेट्टी की, और एडिट किया है माहिर जावेरी ने। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। अर्जुन कपूर, नीना गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, जॉन अब्राहम, अति राव हैदरी के अलावा जो फिल्म में मुख्य कलाकार हैं उनमें है कमलजीत सिंह, सोनी राजदान, कुमुद मिश्रा, दिव्या सेठ, महाविका पटियाल, मसूद अख्तर, ये सारे लोग आपको फिल्म में दिखाई दे जाएंगे। तो फिल्म बेसिकली अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान की कहानी है। ठीक ठाक फिल्म बनाई गई है, मतलब डायरेक्टर ने एक नई स्टोरी को उठाया, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हाउस को रिलोकेट किया जाता है ट्रक पे उठा के। मसलन ऐसा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें जो मकान बनते होंगे शायद लकड़ी के, इसलिए उठाए जा सकते हैं। इंडिया में पॉसिबल है या नहीं, मतलब हमारे मेरठ जैसे जो छोटा शहर है, मतलब जिसको आप छोटा कहते होंगे, कुछ भी मतलब मेरठ शहर में, पुराने मेरठ से अगर किसी को मकान निकालना हो तो असंभव है। कारण यह है कि गलियां बहुत पतली हैं और उसके अलावा हमारे घंटाघर पर ही आगे वो मकान अटक जाएगा। तो इन सब चीज़ों का डायरेक्टर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि हम ये किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे। हद तो तब हो गई कि जब बाघा बॉर्डर पे जो 2 बड़े गेट बनाए गए हैं, जो एक इंडिया की तरफ एक पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर से 2 मंजिला मकान निकाल दिया ट्रक पे लोड किया हुआ। मतलब एक कहानी सुनी थी कि हिटलर कैसे बनाता कि ट्रक, एक मालगाड़ी पर ट्रक लोड हो गए जा रहे थे, आगे पुल आ गया तो हिटलर ने जो भी ट्रक्स थे उनकी हवा निकाल दी तो वो क्रॉस हो गया था इस तरीके। बट घर के साथ तो ये बात भी नहीं जा सकती। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बात करते हैं बाकी लोगों ने कैसा काम किया। म्यूजिक ठीक था, सिनेमेटोग्राफी भी ओके है फिल्म की, स्क्रीन प्ले, अब इसके बारे में चर्चा क्या करें, मतलब कहानी और स्क्रीन प्ले ठीक ठाक कहा जाएगा। मतलब फिल्म जैसी भी है आपके चेहरे पे फिल्म को देख के स्माइल बनी रहती है। ठीक है, तो स्माइल आपके चेहरे पे बनी रहेगी। अर्जुन कपूर ने फिल्म में ठीक ठाक काम किया है, मतलब वो एक ही तरीके का काम जानते हैं उसी तरीके कर देते हैं। इससे पहले भी जो फिल्म आई थी जो उनकी सबसे ज़्यादा लगभग 2 स्टेट्स चर्चित फिल्म रही थी, वही वाला करेक्टर है और उसको थोड़ा और उन्होंने ओपन कर दिया। वो ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता हुआ कि जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं कि वो किस तरीके की एक्टिंग वो करते हैं। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। रकुल प्रीत सिंह के हिस्से में बहुत छोटा, मतलब कम काम आया, गानों में उनकी एंट्री है बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैं गाने स्किप कर देता हूँ। अगर आप पूरे गाने देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको गाने कैसे लगे। हालांकि गाने सुनाई देने में बड़े अच्छे थे, मतलब म्यूजिकली गाने बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं तो शायद लंबे समय तक आप इन्हें सुन भी सकते हैं। नीना गुप्ता इस पर थोड़ा सा ओवर करती हुई नजर आती हैं, 90 साल की बिल्कुल नहीं लगती हैं। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, शायद उनके पास जो ब्रीफ रही होगी और जो उनका काम पर्दे पर निकल के आया, कॉमेडी उनके किरदार का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बट जिस तरीके का काम अति राव हैदरी कर रही थी उसको नीना गुप्ता जब करती हैं तो थोड़ा सा ओवर चला जाता है और दिखने लगता है कि ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बाकी लोगों में कुमुद मिश्रा ने ठीक सा ही काम किया, बाकी लोगों ने ठीक ठीक काम किया। तो अगर आप इसको 1 टाइम वॉच की तरह देखना चाहते हैं इस फिल्म को तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, अगर आप छोड़ना भी चाहें तो इससे कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो कुल मिला के आज हमारी चर्चा थी 2 फिल्मों पर और 2 OTT प्लेटफॉर्म से।
पहले का मकसद यही था कि जिस तरीके काया से आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि OTT पे अगर बड़ी फिल्में रिलीज होंगी तो धमाका करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर पैसा में कहानी आपको अच्छी लगी तो थैंक यू, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, और हमारी अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय।